इन दिनों पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है और जब बात करें महाराष्ट्र की तो आम आदमी के साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और हाल ही में टीवी टाउन से बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बना चुकी एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने भी बड़े ही धूमधाम से बप्पा का स्वागत किया। वहीं अगर बात करें उनके लुक की तो बता दें कि वो नज़र आई मराठी ट्रेडिशनल लुक में काफ़ी खूबसूरत। लेकिन अगर उनके लुक में सबसे खास और अट्रैक्टिव कुछ था तो उनका था सेंटर नोज रिंग, जो कि इस दौरान गणपति की मूर्ति भी काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत नज़र आई। इस गणपति पूजन के खास मौके पर दिव्या ने मीडिया से क्या कुछ बातें की, चलिए सुनाते हैं आपको उसके कुछ खास बातें। सब फैमिली साथ होती है, साथ में पूजा करते हैं, हमने साथ में सजावट करते हैं सुबह से उठ के, मतलब मैं हर एक फूल खुद लगाती हूँ, वैसा तो सब साथ होते हैं। मेरी माँ साथ है, मेरे बच्चे साथ में हैं, मेरा भाई भाभी सब साथ में हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया आपने, तो थोड़ा सा आप हमें बताना चाहेंगे कि किस तरह से क्या क्या किया आपने, कैसे कैसे? वो जैसे ही बप्पा के जब वो खुलता है, उनका निकालते हैं और आप बप्पा के दर्शन करते हैं, मुझे लगता है वो खुद ब खुद बता देते हैं कि आज का डेकोरेशन ऐसा होगा, तो मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि आज ऐसे करूँगी, वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ होता रहता है और मैं करती रहती हूँ। मैं बहुत बिलीव करती हूँ, कुछ साल मैं इको फ्रेंडली बप्पा ही लाती रही हूँ और मुझे लगता है कि हम सबको कॉन्शियस होना चाहिए उस मामले में। लेकिन जहाँ श्रद्धा आ जाती है वहाँ आप मतलब बहुत सबको शायद नहीं बोल पाते, लेकिन आई थिंक सबके अपने एक व्यूज़ हैं और इको फ्रेंडली हो तो बेहतर। नेक्स्ट 9 लाइफ से चांदनी की रिपोर्ट।